गुड इवनिंग टू ऑल, वेलकम टू ETS इंग्लिश बाय टाइगर सर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेंटर्स ऑफ अ ट्रायंगल के क्वेश्चंस। तो अगर आपने प्रीवियस सेशन नहीं देखे हैं तो प्लीज देख लेना, क्योंकि सारी क्लासेस कनेक्टेड हैं। और अगर नहीं देखोगे तो हमेशा कंफ्यूज रहोगे कि क्या आपका इन सेंटर होता है, क्या सर्कम सेंटर होता है, किसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगता है। ये कन्फ्यूजन आपको इसलिए रहता है क्योंकि आप ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते। और मैंने आपसे कहा भी था कि मैं आपको इतने ढेर सारे ट्रायंगल्स के क्वेश्चन करा दूंगी कि आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। प्रीवियस सेशन प्लीज जरूर देख लेना। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप की। तो ये हमारा इंग्लिश बाय टाइगर सर ग्रुप मेन ग्रुप है। इसमें आप इंग्लिश से रिलेटेड अपने डाउट्स पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप है ये, ठीक है। और इसके अलावा आप इसमें ETS से जुड़ी जो भी आपकी क्वेरी है, क्वेश्चन है, वो भी जान सकते हो। ठीक है, मैथमेटिक्स बाय फाकरा मैम ये मेरा ग्रुप है। इसमें आप अपने मैथ से रिलेटेड डाउट पूछ सकते हो। इसमें मैं क्विज कराती हूँ, PDF अपलोड करती हूँ। यहाँ पर जितना भी पढ़ाऊंगी वो उसकी सारी PDF आपको ग्रुप में मिल जाएंगी, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये ग्रुप, आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया था, इसकी PDF भी अब आपको मिल गई होगी ग्रुप में। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल BIC आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो हम हाथों हाथ जो है सारी चीजें रिवाइज करते हुए भी चलेंगे। देखो मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि जैसे कि ट्राइंगल है ABC, अब इन सेंटर है तो जाहिर सी बात है जो सर्किल होगा वो ट्राइंगल के अंदर ही होगा। ठीक है, अब ये आपका इन सेंटर है तो ये जो होगी आपके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर ही होता है। ठीक है, साइड से जो है क्या होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर होगा। ठीक है, अब ये आपका जो इन सेंटर है ये आर और ये आर होगी यहाँ पर। ठीक है, अब देखो इन सेंटर किस चीज से बनता है, आपके जहाँ पर एंगल बाइसेक्टर इंटरसेक्ट होते हैं तो उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम इन सेंटर कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसका एंगल बाइसेक्टर यहाँ से ज्वाइन करा देती हूँ, ठीक है, इसका एंगल बाइसेक्टर यहाँ से ज्वाइन करा देती हूँ और इसका एंगल बाइसेक्टर ज्वाइन करा देती हूँ, तो यही पॉइंट हमारा क्या बन जाएगा, इन सेंटर बन जाएगा और ये इसकी तीन रेडियस हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो हमारा ट्राइंगल का एरिया होता है, अगर आपकी बेस सेम है तो वो बेस पर डिपेंड हो जाता है। ठीक है, हाइट देखो, अगर यहाँ पर हाइट सेम है आपकी, यहाँ पर भी आर है, इसकी भी आर है, इसकी भी आर है, मतलब BIC की भी हाइट सेम है, ठीक है, आर है। इसके अलावा BIA की भी हाइट सेम है, आर हो जाएगी। और आपकी AIC की भी जो हाइट है वो सेम है, कितनी है, आर है यहाँ पर। अगर आप हाइट की बात करो तो यहाँ पर हाइट अगर सेम है तो एरिया किस पर डिपेंड करेगा, आपकी बेस पर करेगा। ये चीज़ मैंने आपको काफ़ी गहराई से समझाई भी थी, ठीक है, प्रीवियस सेशन में, तभी मैं बोल रही हूँ कि आपको जो है सारी वीडियोस देखनी है। ठीक है, तो अगर ये साइड मेरी ए है, बी है और ये आपकी सी है, तो सिंपली जो एरिया होगा BIC का, इनका किस पर डिपेंड हो जाएगा, BIC BIA and AIC is equal to क्या हो जाएगा, BIC A ratio B ratio C। ठीक है, यही हो जाएगा। बस इसी में हमें ये चीज जो है देखनी है और हम आराम से अपना एरिया फाइंड आउट यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, जो एरिया होगा वो बेस पर डिपेंड होगा। अब यहाँ पर आप ये देखो, अगर मैं BIC की बात करूँ यहाँ पर, ठीक है, तो इसकी हाइट और इसकी हाइट अब बेस सेम हो जाएगी ट्राइंगल की, मतलब ABC का अगर मैं बेस कहूँ तो वो भी BC होगी और BIC की बेस कहूँ तो वो भी आपकी BC होगी। तो इट मीन्स यहाँ पर जो है हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल BIC। कैसे, देखो अब आपको ये बात तो पता ही है 13, 14 और 15 का जो ट्राइंगल होता है इसका एरिया कितना होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना हो जाएगा, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था, अगर आप 13, 14, 15 का आपको ट्राइंगल मिलता है तो उसका एरिया 84 होता है, क्योंकि काफ़ी यूनिक ट्राइंगल है ये, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव इसकी साइड्स हैं लगातार, 13 के बाद 14, 14 के बाद जो आपको 15 दिखेगा। ठीक है, तो इस केस में 84 का हो जाता है। आप 14 सेमी पैरामीटर निकाल के भी लगा सकते हो, बट इतना कॉमन ट्राइंगल है और इतना यूनिक है, इसका आपको डायरेक्टली एरिया पता होना चाहिए 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पूरे का एरिया ये है। अगर आप इस ट्राइंगल को देखो, ये ट्राइंगल आपका तीन भाग में डिवाइड है, तीन ट्राइंगल में, 1, 2, 3, तो इट मीन्स इसका एरिया 3 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा, बट किसके रेशियो में, इनकी साइड के रेशियो में। सिंपल, अगर पूरे का एरिया 84 है तो 14 का कितना हो जाएगा, तो सिंपल है, देखो 84 मल्टीप्लाई बाय 14 की मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है
और टोटल अगर मैं रेशियो इनका निकालूंगी तो 13, 14 और 15 ही रेशियो रहेगा, कुछ कॉमन तो है नहीं, तो कितना हो जाएगा 5, 4, 9 और 3, 12, 2, 1, 2, 3, 4, 42। ठीक है, तो कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा ये, 1 टाइम 2 टाइम, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, देखो इतना इजी क्वेश्चन था, लेकिन इसमें मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट दोबारा से रिवाइज कराया है, इसी वजह से कि आप चीजें भूलो नहीं। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर था, कौन सा, एबीसी का। तो जाहिर सी बात है इसको जब हम बेस के रेशियो में डिवाइड करा देंगे, जो कि आपकी एबीसी है यहाँ पर, अगर आप ये वाले चीज देखो तो इसका रेशियो कितना आएगा, 13, 14 और 15 ही आएगा, देन बस डिस्ट्रीब्यूट कर दो उसे, आपका आंसर आ जाएगा। इजी, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, और आप मैथमेटिकल बाय फाकर बैंक ग्रुप में भी बता सकते हो। अच्छा एक बात और, चैनल पर अगर जाओगे ना कम्युनिटी वाले ऑप्शन में, देखो यूट्यूब खोलो, यूट्यूब में ईटीएस पर जाओ, ईटीएस में कम्युनिटी होती है, उसमें जाना। ठीक है, तो उसमें मैंने एक क्वेश्चन पोस्ट किया था जिसमें एक बॉटल थी और बॉटल की जो शेडो थी उससे मैंने आपका हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बनाया था, तो जाकर उसका जरा आंसर तो दो, जरा मैं देखना चाहती हूँ आपको कितनी मैथ्स आती है, कितनी टिग्नोमेट्री आती है एक्चुअल में, क्योंकि नेक्स्ट आपका जो चैप्टर होने वाला है ट्राइंगल्स के बाद, ठीक है, क्वाड्रिलेटर, देन आपका जो है टिग्नोमेट्री में स्टार्ट करवाऊंगी। ठीक है, तो जरा उसका आंसर देना, मैं देखना चाहती हूँ जरा कितने ब्रिलियंट हो आप लोग। ठीक है, वैसे काफी इजी क्वेश्चन है वो, तो अगर आप देखोगे ना मैथ्स आपको इस तरह से हर जगह दिखेगी। सिंपली मैं बैठी हुई थी, बॉटल मेरे सामने थी, मैंने देखा उसकी शेडो, मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बन रहा है, एक भाई एक बॉटल है उसकी शेडो इतनी है 26 सेंटीमीटर, तो और जो है 60 डिग्री का वो एंगल बना रही है टॉप से, तो जरा बताओ कि हाइट ऑफ दी बॉटल क्या होगी, है ना। तो कमेंट सेक्शन में जरा मुझे बताना कम्युनिटी वाले पेज पर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये आई होप आपको क्लियर होगा। देखो इसी तरह से हम अपनी मैथ्स स्ट्रॉन्ग करते हैं, अगर आप देखो तो, अगर आपको अपनी मैथ स्ट्रॉन्ग करनी है ना, तो आपको जो है हर चीज को जो है ऑब्जर्व करना पड़ेगा, अपने आसपास की सराउंडिंग्स को लेकर आप कॉन्शियस रहोगे। ठीक है, अगर सच में मैथ स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो, क्योंकि अगर आप देखो ना तो एक मैथ्स और साइंस आपको हर जगह नजर आ जाएगी, हर जगह, इवन अगर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, और अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो तब भी, अगर आप देखो डिस्टेंस और टाइम एंड डिस्टेंस लग जाता है कहीं घूमने जाओगे तो, है ना, और भी बहुत ढेर सारी चीजें होती हैं, तो हर चीज को अगर नोटिस करोगे तो मैथ्स आपकी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश किया करो अगर मैथ्स आपको अपनी स्ट्रांग करनी है तो। ठीक है, सोचा करा करो चीजों को। चलो नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, मैं लिख देती हूँ, ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक, ए बी सी, और जो राइट एंगल है वो आपका किस पर है, बी पर है। ठीक, अब जो एंगल बाई सेक्टर है ए का वो यहां आ जाएगा, एंगल बाई सेक्टर ऑफ बी वो यहां आ जाएगा, और एंगल बाई सेक्टर ऑफ सी, ठीक, ये आ जाएगा। अब जहां पर सारे एंगल बाइसेक्टर मीट होंगे वो पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, इन सेंटर हो जाएगा, और आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है ठीक है, डी ई एंड एफ। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द एरिया ऑफ डी ई एफ। ठीक है, जहां पर आपका AF BE and DF क्या है, एंगल बाय सेक्टर रहेंगे। ठीक है, अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, अच्छा इसमें मैं साइड पे लिख देती हूँ, 3, 4, 5 है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये आपकी 5 हो जाएगी। ठीक है, 3, 4, 5 है, लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, AB 3 है, BE
बीसी पांच है, सॉरी बीसी नहीं, हाँ बीसी आपकी चार है और एसी आपकी पांच है। चलो अच्छा देखो एक बात यहाँ पर समझो, मैंने आपको एंगल बाइसेक्टर के केस में एक चीज समझाई थी, जब मैंने आपको एक्यूट ट्रायंगल लेकर ये चीज आपको समझाई थी बहुत अच्छे से कि ये रहा आपके एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, ये ए ये बी और ये सी का एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। मैंने कहा ये साइड आपकी चार है, ये छः है और मान लो ये आठ है, ठीक है। अब जो है यहाँ पर जो इनका रेशियो होगा, ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, तो इसका और इस लाइन का जो रेशियो होगा वो इसके और इसके रेशियो के बराबर होगा, मतलब छः चार कितने हो जाएंगे, दस। अब इस दस को मैं जो हूँ किस में डिस्ट्रीब्यूट करूंगी, इस आठ को, इस आठ को मैं जो हूँ डिस्ट्रीब्यूट करूंगी किस रेशियो में, देखो ये पूरी आठ है, बी सी आठ है, तो इसका जो रेशियो होगा वो कितना होगा, टू रेशियो थ्री में मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी, ठीक है। ये टू और रेशियो थ्री में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, पॉइंट में आएगा आंसर, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं इस वाली साइड की बात करूँ तो ये छः और आठ का जो रेशियो होगा मतलब थ्री रेशियो फोर, ठीक है, इसमें ये डिस्ट्रीब्यूट होगी, है ना। और अगर मैं एसी की बात करूँ तो ये टू रेशो वन में डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको समझाई थी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में, ठीक है, याद आ गई ना ये चीज़ भाई। ये आपकी जो है एडी एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, एडी आपका एंगल बाइसेक्टर है, ये साइड ए है ये साइड बी है, तो अगर मैं आपसे BD और DC का रेशो पूछूंगी तो कितना होगा, A रेशो B होगा, ठीक है, अगर इनका साइड का पूछूंगी, ठीक है, ये चीज याद आ गई। तो सेम वही हमें पैटर्न यहाँ पर लगाना है, क्योंकि ये बस हमारा एक्यूट है और वो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पैटर्न हमारा सेम होगा, बस राइट एंगल ट्राइंगल में ये ध्यान रखना चीज, चलो वो मैं आगे बताऊंगी, अभी बस इतना ही ध्यान रखो, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में मुझे DEF फाइंड आउट करना है, तो अगर मैं BF और FC का रेशो यहाँ पर देखूँ तो तीन और पांच में होगा, ठीक है, तीन और पांच रहेंगे इसका रेशो। इसी तरह से अगर मैं AC को देखती हूँ तो ये चार है ये तीन है, ठीक है, तो तीन और चार में इसका रेशो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं AB को देखती हूँ तो ये पांच और चार में रेशो इसका डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना। अब आप इस वाले ट्राइंगल को देखो, यहाँ जो मैं बनाऊंगी, अब आप अच्छे से समझ पाओगे चीजों को, ठीक है। अब ये सब एंगल बाइसेक्टर थे, ये था आपका कितना पांच चार, ये था आपका तीन चार और ये कितना हो जाएगा तीन और पांच, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो अगर मैं इन सबका एरिया फाइंड आउट करके बड़े वाले ट्राइंगल में से माइनस कर देती हूँ तो ये वाली चीज मुझे मिल जाएगी। इसमें का क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ, ठीक है, तो बस हमें वही करना है क्या कि मैंने आपको बताया था क्या, a by sin a है ना is equals to b by sin b is equals to c by sin c होता है, ठीक है, is equals to 2r। अब आप कहोगे मैम ये तो क्या आपका क्या है सरकम रेडियस है तो इसका r से क्या मतलब है, ये तो इन रेडियस होगा। तो भाई पहली बात तो ये है कि जरूरी नहीं है जो एंगल बाई सेक्टर है इसका मैं एरिया अगर फाइंड आउट करूँ तो यहाँ पर आप r जो है आपकी कहीं ना कहीं देखो बाहर की साइड आएगी, ठीक है। अगर मैं जरूरी नहीं है कि यहाँ पर अगर आप सर्किल ड्रॉ करो तो वो इस ट्राइंगल को टच करता हुआ जाए, ठीक है, वो बाहर की साइड नहीं आएगा, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना इस चीज से। यहाँ पर वैसे भी ये क्या है आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, तो अगर यहाँ से और यहाँ का डिस्टेंस देखोगे एंगल बाइसेक्टर है ये, तो परपेंडिकुलर भी होगा, तो ये आपका सी जैसा काम भी करेगा, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको समझाई थी, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना, एरिया आराम से फाइंड आउट हो जाएगा। अच्छा इन रेडियस का है ये, ओफो मुझे सरकम रेडियस ध्यान दी, इन रेडियस है ना यहाँ पर, इन रेडियस है ये, एंगल बाइसेक्टर्स गिवन है ना आपको, चलो ठीक है कोई बात नहीं, तब भी फाइंड आउट हो जाएगा अगर हम साइन थीटा लगाते हैं तो, है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल याद है ना आपको, हाफ इंटू ए बी साइन थीटा, ये वाला फॉर्मूला याद है ना, बस यही वाला फॉर्मूला हमें इसमें इम्प्लाई करना है। तो पहले अगर मैं ट्राइंगल यहाँ पर ले लेती हूँ ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, यहाँ पर आर की रेडियस लेने की आपको नीड नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, उसके चक्कर में आपको पढ़ने की नीड नहीं है, क्योंकि जो है कि आपका मैंने ध्यान नहीं दिया एंगल बाइसेक्टर का क्वेश्चन है, ठीक है।
अब यहाँ पर अगर मैं लेती हूँ यहाँ पर ट्राइंगल ए डी ई, इसमें का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। ठीक है, अब देखो एक मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ, ए बी 5 × 3 एंड देन साइन ए, ठीक है, और नीचे कितना आ जाएगा हाफ, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 9 × 7 × sin, हाफ से हाफ कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, और 3 × 3 = 9, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 5/21। ठीक है, इसी तरह से मुझे किसका फाइंड आउट करना है, इसी तरह से मैं इस वाले का फाइंड आउट करती हूँ, ई सी एफ का। ठीक है, ई सी एफ साथ में ए बी सी कितना हो जाएगा, इसको हम डायरेक्टली कर सकते हैं 5 × 4, ठीक है, ये पूरी कितनी है 8 और ये कितनी है 7, ठीक है, तो कितनी बार में जाएगा 2 टाइम्स में, तो 5 × 5/14 आ जाएगा। इसी तरह से हम किसका फाइंड आउट करते हैं, डी बी एफ का, डी बी एफ डिवाइडेड बाय ए बी सी कितना आ जाएगा 4 × 3, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 9 × 5 = 8, ठीक है, ये गया 2 टाइम्स और ये गया आपका 3 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा 1/6। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से पता है मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पर ए बी सी 21 है, यहाँ पर ए बी सी कितना है 14 है, और यहाँ पर ए बी सी कितना है 6 है, तो मुझे 21, 14 और 6 का एलसीएम लेना होगा और ए बी सी को सेम करना होगा। 21, 14 और 6 का अगर एलसीएम देखा जाए तो कितना आएगा 42, 42 आएगा ना, तो 2 से इसे मल्टीप्लाई करूंगी, 2 से इसे, तो कितना आ जाएगा ये 10/42। इसी तरह से ये कितनी बार में जाएगा, 3 बार में, तो ये कितना हो जाएगा 15/42, ठीक, ये आपका कितनी बार में जाएगा 7 टाइम, तो ये भी आपका 7 टाइम, 7/42, ठीक है, तो पूरे का जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर मैं ए बी सी की बात करूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, डी ई एफ फाइंड आउट करना है ना, कितना हो जाएगा, ए बी सी में से मैं माइनस कर दूं ऑल 3 ट्राइंगल्स, ठीक है, माइनस कर देती हूँ कितना, ये वाले ट्राइंगल इसका एरिया है इनका 10, 15 और 7, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 42 में से माइनस कर दो 32, तो 10 आंसर। ठीक है, इजी, इसमें का क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ, इसमें देखो ये क्वेश्चन दोबारा कराने का रीजन क्या था, एक तो ये स्टूडेंट्स इसमें जो है बहुत कंफ्यूज हो सकते थे इसमें वो इन सेंटर लेकर, क्योंकि उनको लगता है कि जो है ये जरूरी नहीं है कि भाई एंगल बाइसेक्टर यहाँ पर है तो ये जो है तीनों को टच करे, ऐसा जरूरी नहीं है, इन सेंटर जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ आकर वो बनाएगा, आपकी जो है रेडियस आर बनेगी। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर क्या हो जाएगी, दूसरी चीज यहाँ पर ये है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें भी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि आदत हो जाती है ना एक्यूट ट्राइंगल के क्वेश्चन करने की, जब राइट एंगल ट्राइंगल आता है तो वहीं पर ही स्टूडेंट थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो राइट एंगल ट्राइंगल हो, एक्यूट हो, ऑब्ट्यूस हो, जो आपकी प्रॉपर्टी है वो तो आपकी सेम रहेगी ना, कि एंगल बाइसेक्टर है, जो आपके साइड का रेशियो होगा वही आपके बेस के रेशियो हो जाते हैं, ये चीज हमने काफी गहराई से समझी थी। ठीक है, तो आई होप इस चीज को आप समझ गए होंगे, इसमें के क्वेश्चन मैंने पहले भी किए हैं, तो आपका ये रिविजन भी हो गया है और ये आपका क्वेश्चन आ चुका है, मेंस में आ चुके हैं क्वेश्चंस हैं ये सारे और अल्टीमेट क्वेश्चंस हैं, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो मुझसे आप ग्रुप में पूछ लेना। ठीक है, चलो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपका राइट एंगल ट्राइंगल पर बेस्ड है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ए बी एंड सी, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और यहां एक सर्किल आ जाएगा और आपका एक ये सर्किल हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी R1 है और ये जो है R2 है, तो आपसे पूछा गया है R1 + R2
क्या होगा? एंड साइड है आपकी 6, 8 एंड 10, 6, 8 एंड 10। ठीक है। अब यहाँ पर आपको आर फाइंड आउट करना है, तो आर का तो फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से पता ही है, आर इज इक्वल्स टू होता है डेल्टा बाय एस, जहाँ पर डेल्टा एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड एस आपका सेमी पेरीमीटर। बट उससे पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना है। देखो मैंने आपको बताया था हम हाथों हाथ चीज़ें रिवाइज करते हुए चलेंगे, जिससे कि आपको क्लियरिटी भी होती रहे और आपके डाउट्स भी क्लियर होते रहे। देखो ये आपकी जो एडी है यहाँ पर, ठीक है, एडी आपको गिविन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये मीडियन का भी काम करेगी। भाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और मीडियन में क्या फर्क होता है? बस वो जो है 90 डिग्री पर फॉर्म होती है और मीडियन आपकी 90 डिग्री पर नहीं होती। लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, जो डी है, इट मीन्स डी आपका सर्कम सेंटर होगा और इसी पे कहीं ना कहीं आपका जी भी होगा, सेंट्रोइड होगा, क्योंकि ये मीडियन का भी काम करेगा। और ये ठीक है, उसके अलावा ये अगर 10 है तो मैं कहूंगी ये आपकी 5, ये आपकी 5, और साथ में ये जो एडी है, ठीक है, एडी भी आपकी कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ये चीज हमने पढ़ी थी कि भाई राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये अगर आर है ये भी आर होगी और ये भी आपकी आर होगी, बल्कि कौन सी आर? कैपिटल आर। ठीक है, ये चीज समझाई थी मैंने, तो एक तरह से आपकी क्या हो जाएगी? सर्कम सेंटर से रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन है, चीजें मैंने रिवाइज करा दी है। ठीक है, बस अब कुछ नहीं करना है। अब आपको आर तो बहुत अच्छे से पता है, 5 है डेल्टा बाय एस, आपको फाइंड आउट करना है आर वन और आर टू, ये वाली आर वन और ये वाली आर टू आपको फाइंड आउट कर दी है। अगर ये 5 है, ये 5 है और ये 5 है, तो आपका जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है ए सी डी, ठीक है, वो आपकी किसके बराबर हो जाएगा? ए डी बी के। ठीक है, दोनों का एरिया क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। बस आपको वैल्यू पुट करनी है और आर यहाँ से फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सेम तो नहीं होगा, एरिया डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दो भाग में, है ना? सेम होने का मतलब ही नहीं है, वो 5 है, ये वो है 6 है। देन इसमें आप क्या कर सकते हो, अगर आपको आर फाइंड आउट करानी है, ठीक है, इसमें हम जो है दोनों का एरिया ऐड कर सकते हैं, ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा आर अगर हमें फाइंड आउट करानी है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो पहले हम आते हैं, किसी भी ट्राइंगल में चले जाओ, ए डी सी, अगर मैं जाती हूँ यहाँ पर ए डी सी में, पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी फाइंड आउट कर लेते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, और कितना आ जाएगा? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और इसका एरिया 12, तो इसका भी एरिया 12, क्योंकि ये मीडियन भी है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। हाँ बराबर ही आना चाहिए भाई साहब, बराबर आएगा एरिया। ठीक है, देखो मीडियन और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो जाहिर सी बात है इक्वल तो होना ही होना है। ठीक है, मतलब इसका भी एरिया 12 आएगा और इसका भी एरिया कितना होगा? 12 होगा। ठीक है, अब आपको पता है डेल्टा आर इज इक्वल्स टू डेल्टा बाय एस होता है। ठीक है, आर इज इक्वल्स टू आपका डेल्टा बाय एस होता है। ठीक है, अब आर ही आपको फाइंड आउट करनी है, डेल्टा कितना है आपका? 12 है। ठीक है, और एस कितना हो जाएगा आपका सेमी पेरीमीटर? 5 और 6, 5 और 5 10 और 6 कितना हो जाएगा? 16, 16 का आधा कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी? आर टू हो जाएगी। और यहाँ पर अगर आर वन की बात करते हैं तो डेल्टा अपॉन एस, डेल्टा हो जाएगा 12 और एस कितना हो जाएगा? 5 और 5 10 और 18, 18 का आधा 9, कैंसिल आउट कर लो, कितनी बार जाएगा? ये जाएगा आपका 4/3 टाइम्स और ये आपका कितनी बार जाएगा? 3/2 टाइम्स। आर वन एंड आर टू आपसे पूछा गया था, तो 3/2 + 4/3 यहाँ पर कर दो, कितना आ जाएगा? 9 + 8/6, तो 17/6 आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। देखो
यहाँ पर जो है आपको ट्राइंगल जो गिविन था ए बी सी, इसमें ये जो आपकी ए डी थी, अब ए डी आपका मीडियन का भी काम कर रही है क्योंकि आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, इसी पर कहीं ना कहीं आपका आर होगा, सॉरी जी होगा, सेंट्रॉइड होगा, और यहाँ पर अगर देखा जाए ये आपका सर्कम सेंटर हो जाएगा। और ये बात हमने राइट एंगल ट्राइंगल में पढ़ी थी कि भाई अगर ये मीडियन, मीडियन क्या काम करती है, मीडियन ट्राइंगल के एरियाज को टू इक्वल भाग में जो है डिवाइड कर देती है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ए डी मीडियन है तो जाहिर सी बात है इस वाले का एरिया और इस वाले का एरिया क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब साथ में क्या है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है और मीडियन भी है, ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। पूरे का एरिया जो है यहाँ पर 24 है तो इसका एरिया 12 हो जाएगा और इसका भी एरिया आपका 12 हो जाएगा, बस सिंपल। अब आपको आर फाइंड आउट करना है तो आपको पता है डेल्टा बाय एस होता है, डेल्टा आपके पास हैगा, एस भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, देन आपका आंसर आ जाएगा, दोनों को ऐड करोगे तो, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए, देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिख देती हूँ मैं, एक ट्रायंगल है ए बी सी और इसके लिए मुझे सर्कल चाहिए होगा, ठीक है। देखो यह है आपका बड़ा सा सर्कल, इस सर्कल में एक है आपका ट्रायंगल जो कि आपका क्या है, ए बी सी है, ठीक। जो एंगल बाइसेक्टर है ए का वो पी पे कट करता है, ठीक है, जो बी का है वो क्यू पे टच करता है, और जो आपका सी का है वो आपके आर पे टच करता है, ठीक है। तो एक तरह से ए पी बी क्यू एंड आपका सी आर क्या है, ये एंगल बाइसेक्टर्स हैं, ठीक है। आपको गिवन है आर क्यू आर सी, एंगल क्यू आर सी कितने डिग्री का है आपका, 49 डिग्री का है, ठीक है। और साथ में आपका क्या क्या गिवन है भाई, बी ये पॉइंट तो आई हो जाएगा, बी आई सी कितना गिवन है आपका, बी आई सी नहीं है मेरे हिसाब से, ए गिवन है, एंगल ए, बी आई सी नहीं गिवन है, एंगल ए गिवन है 51 डिग्री, ठीक है। और आपको जो फाइंड करना है, फाइंड बी क्यू आर, बी क्यू आर आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है ये, और एक एंगल और गिवन आपको, वो है आपका, अच्छा ये हो गया, बस इतना ही गिवन है। देखो अगर मैं इनको ज्वाइन करा देती हूँ तो मैं हमारे लिए आसानी हो जाएगी, जैसे कि इसको ज्वाइन करा दूँ, ठीक है, और जो है इसमें क्या गिवन है आपका, क्यू आर सी, ये एंगल आपका 49 गिवन है, ठीक है, और एंगल ए आपका 40 कितना है, 51 है ना, एंगल ए आपका 51 डिग्री है। फाइंड आउट क्या करना है, बी क्यू आर, बी क्यू आर ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है जिसको मैंने एक्सलेट कर लिया है, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन, ये अगर एंगल 51 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आपका 90 प्लस हाफ ऑफ 51, हाफ ऑफ 51 कितना आ जाएगा, 25.5 कितना आ जाएगा, 115.5 है ना, ठीक है, यही तो होता है हमारा हाफ ऑफ, ओ सॉरी 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, ठीक है, इन सेंटर के केस में, क्योंकि इन सेंटर आपको ये गिवन है
तो ये अगर आपका 51 है तो ये 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए हो जाएगा, कितना हो जाएगा 115 डिग्री का, ठीक है। ये अगर 115.5 का है तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, ये भी आपका 115.5 का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपके ऑल्टरनेट एंगल होंगे, मैं लिख भी थी ऑल्टरनेट करेंगे सॉरी वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएंगे ये, नो इशू, बस कुछ बचा ही नहीं है क्वेश्चन में। ये आपका 115.5, ये आपका 49, कितना हो जाएगा आपका ये 165, और इसको जो है 180 में से माइनस कर दो 164.5 को, 5 5, और आपका कितना आ जाएगा ये 1, तो ये आ जाएगा आपका 15.5 आंसर। इजी, ये तो सिंपल क्वेश्चन था, फिगर देखने में बहुत डेंजर से लग रही है कि पता नहीं क्या ही क्वेश्चन होगा, किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे कितना, मतलब एक सर्कल उसके अंदर ट्राइंगल और उसके अंदर भी इतना ढेर सारा बवाल है, ठीक है, तो मतलब कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन देखने में जो डिफिकल्ट लगते हैं वो एक्चुअल में होते नहीं है, और इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं जिनकी फिगर्स में कुछ ज्यादा ही लाइनिंग्स होती हैं तो वो तो एक्चुअल में बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं, जिसमें कम इन्फॉर्मेशन होती है ना वो थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं, लेकिन इसमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन और ढेर सारी लाइंस गिवन होती हैं वो बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं, बस उसमें आपका विजुअलाइजेशन अच्छा होना चाहिए, जैसे कि इस क्वेश्चन में, ठीक है। अगर आप जो देख लोगे चीजें तो समझ जाओगे, वरना लाइंस के बीच में ही घूमते रह जाओगे, ठीक है। और ये चीज किस चीज से आती है, प्रैक्टिस से, ठीक है। नाउ मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। इसके लिए मुझे स्लाइड ऐड करनी पड़ जाएगी ना, चलो कोई नहीं, पानी पी लेती हूँ, ठीक है। जब तक आप ये वाला क्वेश्चन अपना नोट कर सकते हैं तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ, ठीक है। चलो क्वेश्चन है आपका, देखो अगेन एक सर्किल है, ठीक है, इस सर्किल में आपका एक ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है, आई जो है इन सेंटर है आपका ए आई, ये था यहाँ पर आपका आई, ये आपका इंसेंटर था जिसे आगे प्रोड्यूस किया गया, और कहाँ से मिला दिया गया है, इस वाले पॉइंट से, जिसको हम कह रहे हैं पॉइंट डी, ठीक है। देन आपका एक यहाँ पर सर्कम सेंटर भी है, आई क्या है यहाँ पर, आई है आपका इंसेंटर, मैंने बोला था ना एक क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जिसमें आपका सर्कम सेंटर और इंसेंटर बराबर होंगे, और सी क्या है आपका सर्कम सेंटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट को कि हम सी कहाँ पर लें, काफी करीब ले लें या फिर दूर रहें, ऐसा करती हूँ मैं ओ कर देती हूँ यहाँ पर, क्योंकि सी जो है वर्टेक्स भी आपका, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन तो ये होता है, देखो आई आप हमेशा अंदर ही रहोगे क्योंकि वो इन सेंटर है, वो हमेशा इनसाइड ही ट्राइंगल होता है, चाहे वो ऑब्टिक्यूज हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो आपका एक्यूट हो, हर केस में आपका जो इन सेंटर है वो अंदर की साइड होगा, लेकिन हाँ जो सर्कम सेंटर है उसे आप बाहर की साइड भी ले सकते हो, नो इशू। तो अगर ज्यादा भी बाहर लेने की नीड नहीं है, बस यहीं पर ही ले लो, क्या चाहता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ओ ले लेती हूँ तो आपसे पूछा गया है बी ओ और साथ में कौन सा डी, ठीक है, फाइंड बी ओ डी, और आपका ओ क्या है सर्कम सेंटर है। इस केस में आपको कुछ गिवन भी है, वो है एंगल, एक तो बी आई डी, बी आई डी, वाओ ब्रेड नहीं ले रही मैं, पिंक पेन ले रही ना, बी आई, और ये आपका, हाँ यार रेड ही लेना पड़ेगा, ठीक है। बी आई डी आपको गिविन है, कितने डिग्री का है ये आपको गिविन है 65 डिग्री का, ठीक है, लिख देती हूँ मैं बी आई डी, और साथ में एंगल ए भी गिविन है आपको, ए बी सी कितना है 75 डिग्री का है वो, ठीक है,
बी ओ डी आपको फाइंड आउट करना है, मतलब बी ए ए बी सी आपको कितना है 75 डिग्री है। अच्छा अब यहाँ पर देखो आप एक चीज संभाल कर, बी आई डी, बी आई से ज्वाइंट है, आई क्या है आपका इन सेंटर है, इट मीन्स बी आई क्या हो जाएगा आपका एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। तो अगर ये 75 है, ठीक है, अगर ये 75 है आपका, तो जाहिर सी बात है 37.5 आपका ये हो जाएगा और 37.5 का आपका ये वाला हो जाएगा। लेकिन हमें कौन सा चाहिए, हम अगर इस वाले की बात करें ये कितना हो जाएगा 37.5 हो जाएगा, ठीक है, ये 37.5 हो जाएगा, ठीक। ये आपका 65 है तो ये सेंटर पे ज्यादा बनाएगा। अब देखो आप इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह से, ठीक है, ये जो है आपका 35 केबिन है, ये आपका 65 केबिन है, 37.5, तो ये कितना हो जाएगा, ये इन दोनों का सम होगा क्योंकि ये क्या है आपका एक्सटीरियर एंगल है ना, ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, तो 37.5 को माइनस कर दो, जो बचेगा वो आपका एंगल ए हो जाएगा। ये वाला एंगल हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कितना गया 7, और ये कितना गया आपका 2, 27.5 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 27.5 डिग्री का, ठीक है, नो इशू। अब देखो बहुत ध्यान से देखने की चीज़ है, ज्योमेट्री अगर आप देखोगे ना, पूरे आपकी जो कोर्स है, पूरा जो सिलेबस है, उसमें ज्योमेट्री सबसे ज़्यादा इजी हो जाती है, अगर आप जो ढेर अगर थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर लो, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो। बाकी क्या अलजैबरा, अलजैबरा बच्चे कितना भी स्टूडेंट पढ़ ले, लेकिन उनमें उन्हें हमेशा दिक्कत ही रहती है, लेकिन ज्योमेट्री एक ऐसा है जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एक्चुअल में। इसमें आपकी विजुअलाइजेशन पावर अगर अच्छी है तो आप जो है क्वेश्चन को बहुत ईजिली कर सकते हो। जैसे कि देखो ये वाला क्वेश्चन है, अब यहाँ तक तो स्टूडेंट फाइंड आउट कर लेगा कि भैया एंगल बाइसेक्टर है, ये 37.5 हो जाएगा, ठीक है, बहुत हुआ तो अगर वो देख पाएगा कि भैया एक्सटीरियर एंगल की भी प्रॉपर्टी लग रही है, ठीक है। कभी भी एंगल जब फाइंड आउट क्या करो तो देखा करो कौन कौन से फॉर्मूलाज आपको जो है आपको पढ़ाए गए थे, ठीक है, इसके अलावा कौन कौन सी प्रॉपर्टीज वहां पर लग सकती हैं। जैसे कि यहाँ पर है तो ये आपका सर्कम सेंटर और इनसेंटर से रिलेटेड क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर बेसिक प्रॉपर्टीज और ट्राइंगल्स भी फॉलो हो रही है, ठीक है, तो ये आपका जो है एक्सटीरियर एंगल से 27.5 आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पर आपका ये वाला एंगल भी है, ये वाला भी एंगल है, अब आपको फाइंड आउट करना है एक्चुअल में कौन सा ये वाला एंगल, ठीक है, जो कि आपके लिए काफी चैलेंजिंग इस टाइम आपको लग रहा होगा, लेकिन अगर मैं जब इसको सॉल्व करूंगी ना तब आप देखना कितना ईजी होगा। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर ये सेम बेस है आपकी बी सी, ठीक है, एक्चुअल में ये कॉर्ड भी होगी आपके सर्किल की, ठीक है, तो अगर मैं एंगल बी ए सी की बात करूं, एंगल बी ए सी आपका बराबर हो जाएगा एंगल बी टी सी के, मतलब ये अगर आपका थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा होगा, एक चीज तो ये हो जाती है। दूसरी चीज क्या आपको ध्यान रखनी है कि ये आपका एंगल है, ये आपकी मान लीजिए कॉर्ड है बी सी, ठीक है, ये आपका सेंटर है ओ, ये जो सेंटर पे जो भी एंगल बनाएगी, ठीक है, वो एक्चुअल में इसका क्या होगा डबल होगा। सेंटर अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 2 थीटा हो जाएगा। अगर सेम कॉर्ड से सेंटर पे जो एंगल बनता है, ठीक है, उसी कॉर्ड से जो आपके यहाँ पर ट्रायंगल बनेगा, एंगल बनेगा, तो वो क्या होगा उसका डबल होगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बी डी को ज्वाइन करा देती हूँ, तो बी डी से अगर आप देखो बी ए डी, बी ए डी, ठीक है, ये कितना होगा बी ए डी बराबर होगा आपका बी ओ डी, ठीक है, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा डबल होगा, तो मैं ये कह सकती हूँ बी ओ डी जो है ट्वाइस ऑफ एंगल बी ए डी होगा। क्यों, क्योंकि ये सेम कॉर्ड है, देखो बी ए डी, ठीक है, ये यहाँ पर बना रहा है और ये आपका सेंटर है बिल्कुल बी ओ डी, ठीक है, तो ये यहाँ पर बनाएगा, तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा इसका आंसर, बहुत सिंपल है, 27 55 55 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, इजी। आई होप ये आपको क्लियर होगा क्वेश्चन, अच्छे से मैंने सब अच्छे से समझा दिया है, देन आप देख सकते हो, ठीक है, चलो।
बस छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज हैं जो आपको ध्यान रखनी है, वरना क्वेश्चन आप गड़बड़ा जाओगे। आपको ध्यान रखना होता है कि भाई यहाँ का जो एंगल होगा वो सेंटर पर डबल बनाएगा, सेम कॉर्ड है तो इनके जो एंगल्स होंगे वो भी सेम होंगे, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो कोई भी ट्राइंगल का अगर क्वेश्चन है तो एक्चुअल में ट्राइंगल के बारे में अगर आपको सब कुछ पता है तो आप इजिली कर पाओगे। ठीक है, आप जैसे कि मान लो यहाँ पर आप एक्सटीरियर एंगल नहीं देख पाते तो आप परेशान हो जाते हैं किस तरह से करना है। एक्सटीरियर एंगल अगर आप देख भी पाते हैं तो आपको अगर बीडी अगर आप ज्वाइन नहीं कराते, आपकी आदत नहीं होती क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन करने की, तब आपको दिक्कत होती है। ठीक है, तो ज्योमेट्री है अपने हिसाब से कंस्ट्रक्शन करो, क्वेश्चन को इजी बनाओ और इजी वे में सॉल्व करो, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम अगेन ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे ऑर्थो सेंटर से रिलेटेड। आज हमने इन सेंटर और सर्कम सेंटर के मिक्स क्वेश्चन करे हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम ऑर्थो सेंटर के साथ जो है कोई ऑर्थो सेंटर भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। तो थोड़ा फटाफट वीडियो को शेयर कर देना, पसंद आती है तो लाइक, और जो है आप चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।